आज हम देखेंगे सिंपल इफ स्टेटमेंट इन सी। प्रोग्राम में बहुत से स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें ऑप्शनली करने होते हैं, जैसे कि अगर हम पास होंगे तो कॉलेज में एडमिशन लेंगे, अगर हम एम्प्लॉय है तो सैलरी मिलेगा। इन ऑप्शनल स्टेटमेंट के लिए हम यूज करेंगे इफ कमांड। जनरली हमने अभी तक जो भी लिखा है वो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है, जैसे कि एक्सेप्ट रेट एंड क्वांटिटी टू डिस्प्ले टोटल अमाउंट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में शुरुआत में हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स है, रेट, क्वांटिटी एंड अमाउंट, इसलिए लिखेंगे इंट रेट कॉमा क्वांटिटी कॉमा अमाउंट। अब हमें इनपुट करना है रेट और क्वांटिटी के लिए, तो लिखना होगा प्रिंट एफ इन डबल कोट्स एंटर रेट एंड क्वांटिटी। इससे क्या होगा, यूजर को पता चलेगा कि उसे रेट और क्वांटिटी एंटर करना है। फिर हमारा इनपुट कमांड आएगा जहां पे हम लिखेंगे स्कैनएफ। स्कैनएफ कमांड इनपुट के लिए यूज होता है, तो स्कैनएफ में हमने 2% D एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया, क्योंकि परसेंट डी यूज होता है इन डेटा टाइप के लिए। बाद में हमने लिखा कॉमा और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, तो हमारे 2% D है, मतलब हमें दो इनपुट लेना है। तो हमने लिया रेट और क्वांटिटी, और रेट और क्वांटिटी के पहले हमें यूज करना होता है एड्रेस ऑपरेटर। अब अमाउंट कैलकुलेट होगा, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू रेट इंटू क्वांटिटी। अब यूजर को उसने एंटर किए हुए रेट और क्वांटिटी के हिसाब से अमाउंट डिस्प्ले करना चाहिए, नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा कि अमाउंट आ है। तो इसलिए हम लिखेंगे प्रिंट एफ डबल कोट्स में परसेंट डी इज अमाउंट डबल कोट कंप्लीट कॉमा अमाउंट। अब ये जो अमाउंट है ये परसेंट डी का रिप्लेसमेंट है, सो अमाउंट में जो भी वैल्यू आएगा वो परसेंट डी के जगह पे आ जाएगा। ये हो गया सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। हमें देखना है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट तब यूज होगा जब हमें कुछ ऑप्शनली लिखना है, जैसे कि अगर यह अमाउंट 5000 से ज्यादा है तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो अब अमाउंट कैलकुलेशन के बाद हमें इफ लिखना है। सी प्रोग्रामिंग में इफ कंडीशन होता है ब्लॉक, तो उसका सिंटैक्स देखते हैं। इफ ब्लॉक का सिंटैक्स है इफ राउंड ब्रैकेट में कंडीशन, फिर लिखेंगे ब्लॉक यानी ओपन कर्ली ब्रेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, और इसके बीच में हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स। तो इस प्रोग्राम में कंडीशन है अमाउंट ग्रेटर देन 5000, और ब्लॉक के स्टेटमेंट से डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 0.02। यहाँ पे हमने 0.02 यूज किया है जो फ्लोटिंग पॉइंट है, इसलिए डिस्काउंट वेरिएबल को हम फ्लोट डिक्लेयर करेंगे और उसका वैल्यू होगा 0, क्योंकि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये वैल्यू होगा 0। अब डिस्काउंट और पेएबल अमाउंट डिस्प्ले करते हैं। सिंपल इफ का और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कंपनी डिसाइडेड टू गिव 5% बोनस टू एम्प्लॉय इफ हिज सर्विस इज मोर देन 5 ईयर्स। आस्क यूजर टू एंटर सैलरी एंड ईयर ऑफ सर्विस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सी का प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है, stdio और conio.h। अब जैसे कि हमें पता है प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए लिखना होगा मेन फंक्शन ब्लॉक विथ ओपन कर्ली ब्रेस, और क्लोज करने के लिए होगा मेन फंक्शन का क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। ओपन और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के बीच में आएगा प्रोग्राम का लॉजिक। सी प्रोग्रामिंग में सबसे पहले डिक्लेयर करने होते हैं वेरिएबल्स। यहाँ इनपुट के लिए वेरिएबल्स है सैलरी एंड सर्विस। इनपुट वेरिएबल्स के लिए हम इन डेटा टाइप यूज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होगा सैलरी और सर्विस वेरिएबल का इनपुट। इनपुट करने के लिए
हम हमेशा दो स्टेटमेंट लिखेंगे। पहला होगा प्रिंट इफ, जिससे हम यूजर को सूचित करेंगे कि उसे क्या वैल्यू एंटर करना है। और दूसरा स्टेटमेंट होगा स्कैनइफ, जो इनपुट करेगा। अब बोनस कैलकुलेट करना है, जो कंडीशनल है, और कंडीशन है सर्विस ग्रेटर देन 5। कंडीशन के लिए यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट। जैसे कि हमने पहले देखा है, इफ का सिंटैक्स क्या है, इफ और ब्रैकेट में कंडीशन। तो लिखेंगे इफ ब्रैकेट में सर्विस ग्रेटर देन 5। और उसके आगे ओपन करली ब्रेस और क्लोजिंग करली ब्रेस। और कैलकुलेशन स्टोर करने के लिए वेरिएबल लिखना होगा बोनस। और बोनस के लिए हम यूज करेंगे फ्लोट, क्योंकि बोनस को 0.05 नंबर से कैलकुलेट करना है और ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अब लिखना होगा इफ कंडीशन के लिए ब्लॉक स्टेटमेंट्स, वो है बोनस इज इक्वल टू सैलरी इनटू 0.05। सी प्रोग्रामिंग में कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अगर एक से ज्यादा कंडीशन है तो इफ कंडीशन में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में होता कि जिसका सैलरी, यानी जो एम्प्लॉयज का सैलरी लेस देन 10,000 है और ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 5 है, तो ही बोनस कैलकुलेट होगा। तो कंडीशन क्या होगा? कंडीशन होगा सर्विस ग्रेटर देन 5 लॉजिकल एंड सैलरी लेस देन 10,000। अब यहां अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू यानी 1 होगा तो ही ब्लॉक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। और इफ ब्लॉक के क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के बाद हमें वो स्टेटमेंट्स लिखने हैं जो कंडीशन के ट्रू इवैल्यूएशन या फॉल्स इवैल्यूएशन दोनों रिजल्ट पे एग्जीक्यूट होंगे। अब इफ ब्लॉक के क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के बाद कैलकुलेटेड बोनस को डिस्प्ले करेंगे। क्योंकि बोनस वेरिएबल फ्लोट है, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा परसेंट एफ, तो लिखेंगे प्रिंटेड डबल कोट्स में परसेंट एफ इज बोनस, डबल कोट कंप्लीट, कॉमा बोनस वेरिएबल। जैसे कि हमें पता है यहां पे परसेंट एफ रिप्लेस होगा बोनस वेरिएबल के वैल्यू से। अब प्रोग्राम को सेव करेंगे और रन करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ लैडर।